11,000 बोर्ड की चपेट में आने से युवक बुरी तरह से झुलसा। खबर जनपद बांदा के विकासखंड कमासिन क्षेत्र के ग्राम पंचायत खटान कल्लूपुर की है, जहां पर 11,000 बोर्ड की तार टूट जाने के कारण बिजली आपूर्ति 2 दिनों से ठप थी। इसको सही करने के लिए पूर्व लाइनमैन के द्वारा जानकारी दी गई। इस लाइन को सही करने हेतु लगभग 4 वर्षों से काम कर रहे राम लखन पुत्र श्री राम कृपाल निवासी दादों बिना शट डाउन लिए ही 11,000 बोर्ड की लाइन के खंभे में चढ़ गया और जैसे ही लाइन जोड़ने लगा वैसे ही उसके शरीर में कट दौड़ गया। कट दौड़ जाने के कारण उसका शरीर बुरी तरह से झुलस गया और वह पोल से नीचे गिर गया। पोल से नीचे गिर जाने के कारण उसके शरीर में चोट भी आई है। जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को प्राप्त हुई, परिजन आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन ले गए, जहां पर उसका उपचार किया गया, परंतु उसकी हालत नाजुक देख उसको जिला अस्पताल बांदा रेफर किया गया। जिला अस्पताल बांदा में भी उसका ट्रीटमेंट किया गया, परंतु उसकी हालत नाजुक बनी रही, जिसको देखते हुए अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर उसको आईसीयू में रखा गया है। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुप्ता, ब्लॉक संवाददाता कमासिन, एवीपी भारत न्यूज चैनल। मैं आपका भाई साहब अरविंद कुमार, कहां के रहने वाले हैं? दांदो। दांदो के रहने वाले हैं। आज ये हादसा कैसे हो गया है जो हुआ है यहां खटान में? ये जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो मेरा चाचा ही है, तो बता रहे हैं कि लाइन पूर्व लाइनमैन रामबरन ने उसको बुलाया, तो 11,000 मेन लाइन टूटी थी और उसने कहा कि इसको उल्टा करके बना दीजिए, तो उसमें चढ़ गया। इसके बाद वो करंट, उसमें करंट था, करंट ने उसको नीचे फेंक दिया। नीचे RCC थी, जिससे उसका शरीर भी जल गया और माइंड में चोट भी लग गई और गंभीर हालत। क्या नाम है बच्चे का जो जला है? जी राम लखन। और पिताजी का क्या नाम? राम कृपाल। घटना कितने बजे की है? सुबह 7:30 के आसपास।